डियर स्टूडेंट, मैं प्रेमाराम चौधरी, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के टॉपिक एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पढ़ेंगे। एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो या एयर हैंडलिंग सिस्टम इसलिए प्रयुक्त किया जाता है कि जहाँ पर भी हम जो एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं, वातानुकूलन प्रोवाइड करते हैं या हीटिंग करते हैं, उसे रूम तक किस तरीके से सप्लाई करें, उसमें कौन कौन से पार्ट्स या कंपोनेंट होते हैं। एयर डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य या पर्पस यह है टू क्रिएट द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर वेलोसिटी इन द ऑक्यूपाइड जोन ऑफ कंडीशनड रूम। जो अपन चाहते हैं जिसमें उसके अंदर टेम्परेचर, तापमान, आर्द्रता और वायु की जो गति है वो किस तरीके से कैसी रखनी है, उनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन देखते हैं जो ह्यूमन के लिए आरामदायक हो। यहाँ पर स्केमेटिक डायग्राम दिखा रखा है एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जिसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक रूम होगा यहाँ पर जिसके अंदर जो है आउटलेट, यानी कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो प्रोवाइड किया है या हीटिंग है या कूलिंग है, वहाँ से जो एयर आएगी वो किस तरीके से रूम में प्रवेश करेगी। एक यहाँ पर इनलेट दे रखा है जो कि रूम से बाहर जो एयर निकल रही है और इस एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ रही है उसके अंदर उसका इनलेट होगा। ये जिस पाइप के थ्रू जा रहा है उसे रिटर्न डक्ट बोलते हैं, और एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एयर जो है रूम में जाती है उसे सप्लाई डक्ट कहते हैं। उसके बाद में एक यहाँ पर फैन लगा हुआ है जो कि फोर्स करते हुए, सक करते हुए एयर को यहाँ पर रूम में सप्लाई करेगा। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फ्रिक्शन के कारण प्रेशर ड्रॉप होगा और उसके बाद में यह कंटिन्यूसली ड्रॉप होता रहेगा। और यहाँ पर फैन के पीछे की तरफ प्रेशर लो प्रेशर की कंडीशन आ जाएगी और आगे की तरफ है हाई प्रेशर की, तो इस तरीके से यह एयर फ्लो होती रहेगी। साथ ही में यहाँ पर एयर कंडीशनिंग एपरेटस जो है वो प्रोवाइड किए होंगे, जो कि हीटिंग के लिए तो हीटिंग कॉइल हो सकती है, कूलिंग के लिए कूलिंग कॉइल हो सकती है, ह्यूमिडिफिकेशन हो सकता है, डिह्यूमिडिफिकेशन, वो सारे आ जाएंगे आपने एयर कंडीशनिंग एपरेटस में। उसके साथ में यहाँ पर जो है फेस एंड बाईपास डैम्पर्स लगे हुए हैं, पीछे यहाँ फिल्टर लगा हुआ है जो कि इम्प्योरिटीज उन्हें रिमूव करेगा। यहाँ फिर से ये डैम्पर्स लगे हुए हैं, जहाँ भी टर्बुलेंस या टर्न है वहाँ पर एयर को वापस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके टर्बुलेंस को ख़त्म करने के लिए डैम्पर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। इस तरीके से यह एक एयर हैंडलिंग सिस्टम में एयर का फ्लो किस तरीके से है वो बताया गया है, साथ ही में उसमें बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो इस चित्र में दर्शाया गया है। हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि एयर को किस तरीके से प्रॉपर हम रूम में सप्लाई करें, जो हमारे एयर हैं उसका हम जो चाहते हैं वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और उसकी वेलोसिटी वो रहे, और ह्यूमन जो रूम में है उसे वो कंफर्ट या आराम महसूस करवाए। इसके साथ ही हमें क्या जो चीज़ें हैं ध्यान रखनी होगी या अवॉइड करनी होगी वो यह है, ये यहाँ पे शो कर रखा है अवॉइड क्या क्या चीज़ें करनी है। एक तो है एयर स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि एयर का स्तरीकरण, उनकी लेयर जो है हवा की वो एक ही जगह नहीं बननी चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि तापमान में जो अंतर है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक जगह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो और किसी में बहुत कम हो, जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। साथ में डेड पॉकेट्स जो है वो नहीं बनने चाहिए, कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए रूम में जहाँ पर जो डेड हो, यानी वहाँ पर एयर जाए ही नहीं। साथ में जो है हाई ड्राफ्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वेलोसिटी से एयर नहीं आनी चाहिए कि ह्यूमन को अनकम्फर्टेबल फील हो। स्टेग्नेशन लेयर्स जो है, यानी कि जो है स्थिर जो है स्थिर जो लेयर्स हैं या हवा की जो हैं वो कहीं कहीं जगह हवा रुक जाए, उनकी लेयर्स बन जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। कन्वेक्शन करंट जो है संचरण की, जो एयर जहाँ कहीं एक जगह हाई टेम्परेचर हो बाकी जगह लो हो और वो वहाँ से एयर फ्लो करे। और जो लास्ट है स्पॉट हीटिंग और कूलिंग नहीं होनी चाहिए, यानी किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए या ठंडा एरिया हम कूलिंग करें तो कूलिंग नहीं होना चाहिए या गर्म नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि फ्रेश एयर जो है
मस्ट बी अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम। हमेशा एक अच्छा एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो होगा जो कि रूम के अंदर हर जगह पर ये फ्रेश एयर उपलब्ध करवाए, साथ साथ नो शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सप्लाई एंड रिटर्न एयर, यानी कि एग्जॉस्ट और इनलेट जो पॉइंट्स है, यानी कि जहाँ पर रूम से एयर निकल रही है या इंसर्ट हो रही है, इनलेट जो एयर जो है रूम से निकल रही है जहाँ से बाहर या रूम में इंसर्ट हो रही है, उन दोनों का जो है उन पॉइंट्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हो, यानी कि इनकमिंग एयर और जो आउटकमिंग एयर है वो ओवरलैप नहीं करे या मिक्स नहीं हो इसके साथ, तभी वो एक अच्छा एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनको मेनली तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट है इजेक्टर सिस्टम, यानी कि एयर को जो है ये सबसे चीपर और ईजी जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो सिस्टम है, इसमें ईजीली जिसके अंदर एक इजेक्टर के थ्रू जो है हवा इजेक्ट किया जाता है, हवा को इसमें जो है फोर्सफुली अपन थ्रो करेंगे रूम के अंदर, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल होती है, जैसा कि यहाँ तीन डायग्राम बता रखे हैं मैंने अलग अलग, जिसमें फर्स्ट डायग्राम है जिसमें एक जगह इनलेट ग्रिल है जहाँ से जो एयर है वो रूम के अंदर इनलेट होगी, उसकी प्रॉपर जो वेलोसिटी और इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे कि वो इजीली सर्कुलेट होके और आउटलेट जो है ग्रिल है वहाँ से वो बाहर निकल जाए, इनलेट ग्रिल से इंसर्ट होके रूम में सर्कुलेट होके आउटलेट ग्रिल से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट जो मैंने डायग्राम दिया हुआ है इसमें मैंने बताया गया है जो ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज है या जहाँ ह्यूमन ज़्यादा वर्कआउट करते हैं फ्लोर पर, जैसे कि जिम, वहाँ पर हम इस तरीके से भी सिस्टम दे सकते हैं जहाँ पर फ्लोर पे ही एक दीवार से जो है एयर इनलेट हो और साथ में जो कि 2 से 2.5 मीटर जो है वो ज़मीन से हाइट पर ये इनलेट प्रोवाइड किया है और दूसरे से वो आउटलेट हो जाए, जो रूम के अंदर ऊपर की तरफ ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हो एयर तो भी आवश्यकता नहीं है उसकी। थर्ड जो सिस्टम दे रखा है वो थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन इसमें जो है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा एयर का, इसमें ऐसे पैन इजेक्टर सिस्टम भी बोलते हैं, पैन इजेक्टर सिस्टम भी कहते हैं, इसके अंदर एयर जो है वो रूफ या छत है वहाँ से ये रूम के अंदर इंसर्ट होगी और यूनिफॉर्मली पूरे रूम में ये सर्कुलेट होगी और फिर या तो फ्लोर पर या फ्लोर के नज़दीक वॉल पर अपने एग्ज़िट बना हुआ होगा, वहाँ से ये एयर रूम से आउट जाएगी। इस तरीके से यह फर्स्ट जो है एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इजेक्टर सिस्टम। नेक्स्ट है डाउनवर्ड सिस्टम। डाउनवर्ड सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ जो है एयर सर्कुलेशन होगा, यानी कि रूम में जो इनलेट्स होंगे वो होंगे रूम में छत की तरफ इनलेट्स दे रखे होंगे जहाँ से एयर रूम में प्रवेश करेगी, और जो आउटलेट्स है वो फ्लोर के नज़दीक होंगे जहाँ से एयर जो है रूम से बाहर निकलेगी। इस डायग्राम बता गया जनरली ये जो सिस्टम है डाउनवर्ड वह एम्प्लॉयड इन स्कूल्स, ऑफिस एंड थिएटर्स एंड ऑडिटोरियम्स जो है वहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाता है। यह एक अच्छा सिस्टम है लेकिन यह एक कॉस्टली सिस्टम है, इसमें जो है परफोरेटेड सीलिंग जो है उसके कारण और जो सिस्टम दे रखा है उसके कारण इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन ये एक अच्छा एयर जो है सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है रूम के अंदर। इसमें दिखा रखा है ऊपर ये पैन बने हुए हैं और साथ में नीचे की तरफ जो है इसमें ये परफोरेटेड सीलिंग लगी है डैश लाइन की जो बताई गई है, ऊपर से एयर इनलेट होगी और रूम में इस तरीके से सर्कुलेट होगी और जो है आउटलेट जो है नीचे की तरफ रूम में दे रखे होंगे वहाँ से ये आउट चल जाएगी। नेक्स्ट जो लास्ट सिस्टम है थर्ड वह है अपवर्ड सिस्टम। ये वह सिस्टम है जो जस्ट डाउनवर्ड सिस्टम का अपोजिट होगा। इसमें जो है एयर जो सर्कुलेट होगी वह ऊपर की तरफ डायरेक्शन में सर्कुलेट होगी। तो इसमें जो दे रखा है एयर आउटलेट्स आर लोकेटेड इन वॉल नियर द सीलिंग और इन सीलिंग, या तो सीलिंग में लगे हुए होंगे आउटलेट्स या नियर द सीलिंग लगे होंगे जहाँ से एयर बाहर जाएगी, और द एयर इन द रूम ऑक्यूपाइड बाय द पर्सन राइजेज केयरिंग विद इट फॉल स्मेल और ऑडर फ्रॉम देयर बॉडीज। जो वर्कर काम कर रहे हैं उनसे जो गंदी स्मेल आ रही है, बदबू या जो आ रही है वो अपने साथ लेती हुई एयर ऊपर की तरफ जाएगी और रूफ में या छत में जो है सीलिंग में जो लगे हुए हैं आउटलेट्स वहाँ से ये रूम से
बाहर चली जाएगी। इस तरीके से हमने जो है तीन जो टाइप्स हमने स्टडी की, फर्स्ट इजेक्टर सिस्टम, सेकंड डाउनवर्ड सिस्टम और थर्ड अपवर्ड सिस्टम, ये तीन एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं। धन्यवाद।